बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज वर्कशॉप का डे 3 है, इससे पहले डे 1 और डे 2 का आप लोगों ने क्वेश्चंस किए, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है आपको। टीचिंग प्रैक्टिस 1, आज हमारा जो मेजर फोकस है वो है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट राइटिंग। इससे पहले हम फर्दर मूव करें, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है आप लोग पब्लिक चैट में अपने व्यूज मुझे बता सकते हैं, फिर हम फर्दर इसको एलैबोरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज शो किया है, हाउ डू यू डिस्क्राइब द आइसबर्ग, ह्यूज और मीडियम और स्मॉल। अपने अपने रिस्पॉन्स मुझे पब्लिक चैट में दे आप सब। अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हाउ डू यू डिस्क्राइब द आइसबर्ग, आप आइसबर्ग को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि ये बहुत ज्यादा ह्यूज है और या ये मीडियम है और या ये स्मॉल है। गुड, आपके आंसर आना शुरू हो गए हैं। आयशा ने कहा स्मॉल जी, बाकी भी बता रहे हैं गुड। हाँ जी, आप सबके आंसर मुझे मिल चुके हैं ऑब्जर्वेशन के लिहाज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। व्हाट अबाउट दिस, सीन दैट बिफोर। इससे पहली पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी उस पर आपके आंसर आए। इस पिक्चर में देख के अब आप अपना आंसर दे के आइसबर्ग इस एंगल में देखने के बाद आपको स्मॉल लग रहा है, मीडियम लग रहा है या ह्यूज लग रहा है। आप सबके आंसर्स काफी अच्छे मिले हैं। कुछ अब ये तमाम आंसर इससे पहले वाली स्लाइड में जब मैंने पूछा हाउ डू यू डिस्क्राइब द आइसबर्ग, तो तीन ऑप्शन मैंने आपको दी, ह्यूज और मीडियम और स्मॉल। तो आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर थे ह्यूज, मीडियम और स्मॉल। इस पिक्चर में व्हाट अबाउट दिस, अब हमने देखा कि जो पहले सतह समुद्र की ऊपर नजर आ रहा था आप उतने हिस्से को आइसबर्ग समझ रहे थे, अब जब हमने इसके एंगल चेंज किया तो आपको ये सतह समुद्र के नीचे से भी नजर आ रहा है, तो इसका साइज पहले की निस्बत अगर पिक्चर में सिर्फ देखे तो अब आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से, किस लेंस से और किस नजरिए से, किस आइडियोलॉजी से और किस फिलोसफी से उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। पॉजिटिवली देखना चाह रहे हैं, नेगेटिवली देखना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली देखना चाह रहे हैं, या उनके दोनों एंगल देखना चाह रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उन दोनों आइसबर्ग की डायग्राम के बाद अब ये मेजर डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर नोट करें तो सेंटर का जो बॉक्स है पिंक कलर का, उसमें लिखा हुआ है टीचिंग, और उस टीचिंग के इर्द गिर्द अगर सर्कल में देखें तो आपको येलो कलर की चीजें मिलेंगी जिसमें लिखा है डू द ऑब्जेक्टिव्स, वार्मिंग अप, रीइंफोर्स, गिव इंस्ट्रक्शन, आस्क क्वेश्चन, अवेयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, असेसमेंट, गिव इंफॉर्मेशन। उसके बाद फर्दर आप देखेंगे कि हर पॉइंट के साथ आगे फर्दर एक और सर्कल है, जैसे डू द ऑब्जेक्टिव्स में कॉग्निटिव एंड इफेक्टिवनेस, कॉग्निटिव डोमेन और इफेक्टिव डोमेन की बात, और कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लाइक एवेल्युएशन है, थेसिस है, एनालिसिस है, एप्लीकेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, नॉलेज। मैंने रिवर्स टॉप से बॉटम स्टडी किया। एक्चुअल में जब आप कॉग्निटिव इफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज आता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन की स्टेज आती है, फिर एप्लीकेशन की स्टेज आती है, फिर एनालिसिस की स्टेज आती है, फिर सिंथेसिस की स्टेज, फिर एवेल्युएशन की स्टेज। ये आप ब्लूम टैक्सोनॉमी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे। जब हम बात करते हैं टीचिंग में वार्मिंग अप की, जो राइट साइड पे येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, तो उस पे जब आप लिंक करें तो लिंक लेसन विद स्टूडेंट्स नीड, आपने अपने लेसन को किसके साथ लिंक करना है जो आपके स्टूडेंट्स की नीड है। वार्मिंग अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कैसे वार्मिंग अप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्लासरूम एनवायरनमेंट, आप क्लासरूम के एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करके अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचिंग को वार्म अप कर सकते हैं। फिर कनेक्ट विद प्रीवियस लेसन, अपने उस लेसन को प्रीवियस लेसन के साथ क्या करें, कनेक्ट करें। देन रीइंफोर्स है, उसमें दो चीजें आ रही हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी वॉच करने हैं और टीच करने हैं। देन गिव इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने डिवाइस भी देनी है, ऑर्डर्स भी देनी है, इंस्ट्रक्शंस भी देनी है। आज क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डेवलप हाई लेवल ऑफ थिंकिंग क्लियर टू द होल क्लास, ग्रेडेड एंड वेरिड।
अवेयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम बात करेंगे तो वहां पे केयर ऑफ नॉट फॉलिंग स्टूडेंट्स, केयर ऑफ अ स्टूडेंट यानी कि वो स्टूडेंट जो फॉलिंग नहीं कर रहे उनकी भी केयर करनी है, एक सिंगल स्टूडेंट की भी केयर करनी है, होल क्लास की भी करनी है। ट्रीट वीक स्टूडेंट, और जो आपके वीक स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, सबको साथ लेके चलना है, हमने वीक स्टूडेंट्स को भी ट्रीट करना है। जब असेसमेंट की बात करें और जब असेसमेंट की बात करें तो क्लियर गोइंग ऑन डायग्नोस्टिक और गिव इंफॉर्मेशन की बात करें तो वहां पे इंडक्टिव, इंडक्टिव क्या होता है कि हमने एक पॉइंट लिया और उसमें चीजें ऐड करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। देन इलिसिटेशन एंड रिपीटेशन, रिपीट कर करके ताकि चीजों को आपके स्टूडेंट्स याद रख सके। उम्मीद है अब आपको ये टीचिंग डायग्राम क्लियर होगी। जैसे हमने एक पॉइंट लिया, मैंने भी इंडक्टिव स्टाइल पकड़ा, टीचिंग को लिया, उसके इर्द गिर्द येलो सर्कल पर जिसमें डू द ऑब्जेक्टिव, वार्मिंग अप, रीइंफोर्स, गिव इंस्ट्रक्शन, आस्क क्वेश्चन, अवेयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, असेसमेंट एंड गिव इंफॉर्मेशन को मजीद फर्दर इलेबोरेट कर दिया। ये डायग्राम क्लियर है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, नहीं तो फर्दर मूव करें। उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर होगी। क्लास ऑब्जर्वेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंसल्टेंट सिट्स इन ऑन वन और मोर क्लास सेशंस, रिकॉर्ड्स द इंस्ट्रक्टर्स टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट एक्शंस एंड देन मीट्स विद द इंस्ट्रक्टर्स टू डिस्कस द ऑब्जर्वेशन। बहुत सिंपल वे में कि क्लास ऑब्जर्वेशन क्या है, एक कंसल्टेंट जाता है, वो उस क्लास में भी बैठ जाता है और वो टीचर को और स्टूडेंट्स के इंट्रक्शंस को देख रहा होता है कि किस तरह से टीचर टीच कर रहा है और स्टूडेंट लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है। उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर से अलहदा से मिल लेता है और कुछ इंटरव्यूज भी कर सकता है, इंस्ट्रक्टर से मिल के और स्टूडेंट से मिल के उनको भी नोट डाउन कर सकता है ताकि अपनी ऑब्जर्वेशन क्लास के बारे में वो दे सकें। आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया है कि क्लास का जायजा लेना, मतलब बच्चों का मुशाहिदा करना होता है हर जाविये से, डिफरेंट एंगल से देखना। सुमन बाबा ने भी ऐड किया है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज एन एक्ट ऑफ वाचिंग अ टीचर परफॉर्मेंस इन देयर क्लासरूम और लर्निंग एनवायरनमेंट। गुड, अभी हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्टडी करके आए जिसमें एक डायग्राम थी कि एक पर्सन क्लास में बैठ के टीचर को और स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है और देन उसको हर जाविये से ऑब्जर्व करने के बाद टीचर से और स्टूडेंट से इंटरव्यू लेके क्लासरूम के ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स नोट कर लेता है। इस लाइन में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज अ फॉर्मेटिव यानी कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग डेटा अराउंड टीचर लर्निंग टारगेट्स टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर रिगार्डिंग ग्रोथ एंड टू इन्फॉर्म फ्यूचर टीचर लर्निंग। ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे अगर हम अटैच करें तो बिफोर ऑब्जर्वेशन इस डायग्राम को नोट करें, एक ऑब्जर्वर को जो है शुड नो क्या चीजें जाननी चाहिए, चार मेजर चीजें हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करने के लिए। व्हाट, क्या ऑब्जर्व करना है उसने क्लासरूम में, व्हाई, क्यों ऑब्जर्व करना है, हाउ, कैसे ऑब्जर्व करना है, हु, और कौन इसको ऑब्जर्व करेगा। ये चार मेजर चीजें हैं जो एक ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व क्लास ऑब्जर्वेशन से पहले पता होना चाहिए, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, अभी जो हमने चार चीजें डिस्कस की थी कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से पहले चार चीजों का पता होना चाहिए, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु। व्हाट को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट वन और मोर ऑब्जर्वर्स स्पेंडिंग टाइम इन द क्लास टू ऑब्जर्व अ लेसन पार्टली और कम्प्लीटली, यानी एक या एक से ज्यादा ऑब्जर्वर क्या करेगा, टाइम स्पेंड करेगा क्लास में लेसन को पार्टली, उसका कुछ हिस्सा, या कम्प्लीट लेसन को ऑब्जर्व करेगा, ये व्हाट का पार्ट। व्हाई में क्या है, टू मेजर पर्पसेस है व्हाई में, नंबर वन है एवेल्युएशन एंड नंबर टू है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एवेल्युएशन में क्या है, इट मे लीड टू मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन सच एज रेटिंग ऑफ अप्रेजल, जॉब कॉन्फ्लिक्ट्स, वार्निंग एक्सेट्रा, यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को रेट करेंगे, अप्रेजल्स को करेंगे, जॉब कॉन्फ्लिक्ट्स को और वार्निंग्स को।
प्रोफेशनल डेवलपमेंट में दिस अप्रोच टू लेसन ऑब्जर्वेशन इज ड्रिवन बाय अ कंसर्न फॉर कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। थर्ड वर्ड है हु। ऑब्जर्वर मे बी द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी मीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एनी सुपरवाइजर और एनी कलीग। कौन ऑब्जर्वर करेगा? जो हाँ तो प्रिंसिपल हो सकता है, वो वाइस प्रिंसिपल हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, या कोई सुपरवाइजर या आपका कलीग। फोर्थ पार्ट क्लास ऑब्जर्वेशन के लिए हाउ। कैसे अ टीचर मे बी ऑब्जर्व्ड, कैसे एक टीचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं अनअनाउंस्ड, आप टीचर को बताए बगैर उसकी क्लास को ऑब्जर्व कर सकते हैं अनअनाउंस्ड और विद द प्रीरियड नोटिस, या पहले से उसे बता के कि आपकी क्लास की ऑब्जर्वेशन की जाएगी, उसे नोटिस दे के उसकी इजाजत लेके, ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। अनअनाउंस में है कि उसकी एक्चुअल पिक्चर आपके पास ट्रू पॉजिटिव और नेगेटिव पिक्चर जाएगी। प्री नोटिस में प्रीपेयर्ड बच्चे भी तैयार होंगे और टीचर भी कॉर्पोरेट भी करेंगे और चीजें अच्छे तरीके से समझ भी आएंगी, लेकिन बहुत सी जो अननेचुरल चीजें शायद आपको वो पता ना चले। सेकेंड पॉइंट है सिंगल ऑब्जर्वेशन और सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंगल ऑब्जर्वेशन के आप सिर्फ किसी एक चीज को ही ऑब्जर्व कर रहे होंगे, या टीचर्स को या स्टूडेंट को, या एक विजिट करेंगे या SLOs को जो सब्जेक्ट या टीच किया जा रहा है टॉपिक। सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि बार बार रिपीटेडली आप ऑब्जर्वेशन करेंगे टीचिंग स्टाइल्स को, स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स को, उनके इंट्रेक्शन को और सब्जेक्ट को और टॉपिक्स को। क्लिनिकल सुपरविजन ये है कि आप कंटिन्यूसली, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने टीचर्स को गाइड करेंगे कि किस तरह से अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने टीचिंग मेथड्स को, क्लास के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे, बेहतर करता चला जाए और चीज़ों को कंट्रोल में रखे और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लें। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पब्लिक चैट में बता सकता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लिनिकल सुपरविजन, इट इज अ वेल नोन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन अप्रोच। इट हैज थ्री बेसिक स्टेप्स। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में तीन बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर वन, प्री ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, पोस्ट लेसन कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस आपने क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन से पहले करनी है, एक ड्यूरिंग क्लास करनी है और एक लेसन के बाद में करनी है। पहली क्या है, प्री ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस। बिफोर ऑब्जर्वेशन टीचर डिस्कस द लेसन प्लान विद ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर के साथ क्या करेगा टीचर, डिस्कस करेगा। देन क्लास ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द क्लास क्वाइटली, खामोशी से वो ऑब्जर्व करेगा, टेक नोट्स, नोट्स लेगा अपने, एंड गैदर इम्पोर्टेंट डेटा, और एम डेटा इम्पोर्टेंट डेटा इकट्ठा कर लेगा। ये चीज़ें आप लोगों ने ही परफॉर्म करनी है ड्यूरिंग फील्ड विजिट, फील्ड नोट्स लेते हुए फील्ड के ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है चीज़ें। तीसरी है पोस्ट लेसन कॉन्फ्रेंस, फीडबैक सेशन है ये, शेयरिंग द ऑब्जर्वेशन पॉजिटिवली विद टीचर। आपने जो ऑब्जर्वेशन ली है उसको उस टीचर के साथ, उस क्लास टीचर के साथ पॉजिटिवली आप लोगों ने शेयर करना है। उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर और जो हो चुके होंगे आपको। नेक्स्ट फर्दर एक डायग्राम है उसको डिस्कस करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन वुड डिपेंड ऑन दी, जो एक ऑब्जर्वेशन की इफेक्टिवनेस होती है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, जो ऑब्जर्वर होता है उसने क्या देखना होता है। पैडागोजी, पैडागोजी क्या होता है, हाउ टू टीच, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। इंटरपर्सनल स्किल्स, एक टीचर्स की इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज क्या है। फीडबैक स्किल्स, किस तरह से वो बच्चों से फीडबैक ले रहा है। और कंटेंट नॉलेज, जो भी सब्जेक्ट है, टॉपिक है, लेसन है, उसका उसे कितना नॉलेज है। ऑब्जर्वेशन के ये पांच मेजर पॉइंट्स हैं, पेडागोजी, इंटरपर्सनल स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, फीडबैक स्किल्स एंड कंटेंट नॉलेज। ये एक ऑब्जर्वेशन की इफेक्टिवनेस की जो है वो इन पांच पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। इफ मोर देन वन ऑब्जर्वर, अब अगर एक से ज्यादा ऑब्जर्वर होंगे इन द स्कूल, देन ऑल मेंबर्स ऑफ टीम शुड नो दैट,
जैसे अगर आप एक स्कूल में जाते हैं, एक ऑब्जर्वर है, एक से ज्यादा, तो वो एज अ टीम काम कर रहे होंगे, उनके लिए क्या जानना है, तीन मेजर चीजें, तीन मेजर पॉइंट जानना जरूर, क्या व्हाट काउंट्स एज इफेक्टिव टीचिंग, क्या काउंट करना है एज अ इफेक्टिव टीचिंग में। नंबर टू, द नंबर ऑफ टाइम्स अ टीचर हैज बीन ऑब्जर्व, कितनी दफा वो टीचर है उसे ऑब्जर्व करना है। व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक हैज बीन गिवन, और क्या फीडबैक जो है आपने वो देनी है। हाँ जी, सम टिप्स फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ टिप्स हैं। ये टिप्स किसके लिए हैं? नंबर ए, फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जर्वर, इस स्लाइड में पांच है, एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करे क्लासरूम को तो क्या टिप्स माइंड में होनी चाहिए। नंबर वन, डेवलप अ क्लाइमेट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट विद टीचर, आपने क्या करना है, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल बनाना है कि आपके और टीचर के, जिसकी क्लास को आपने ऑब्जर्व करना है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो चाहिए आप दोनों का, टीचर का आप पे और आपका टीचर पे। नंबर टू, ट्रीट द टीचर विद रिस्पेक्ट, आपने टीचर को रिस्पेक्ट देनी है, उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। नंबर थ्री, नेवर इंसल्ट द टीचर, कभी भी टीचर की इंसल्ट नहीं करनी, ये याद रखिएगा, ना तो फिर उसने आपके साथ कॉम्पिटिट करना है, ना आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाना है, और ना आपको ऑब्जर्वेशन की इजाजत देनी है। आपने एक पॉजिटिव और गुड रिलेशन डेवलप करना है। फोर्थ, बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर लाइक अ फ्लाई ऑन दीवार, आपने एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनना है, डोंट इंटरवेन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन के दौरान या जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहा होगा, आपने इंटर नहीं करना, किसी किस्म के कोई कमेंट या नॉइस नहीं करनी, माने नहीं। इस स्लाइड में है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन सम मेजर क्वेश्चंस आपके पास, वो छह क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है। नंबर वन, व्हाट इज द टीचर डूइंग, नंबर सेकंड, व्हाट आर द स्टूडेंट डूइंग, थर्ड, व्हाट आर स्टूडेंट सेइंग टू द टीचर टू ईच अदर, फोर्थ, व्हाट इज द टास्क, एंड फिफ्थ इज हाउ मच टाइम स्पेंड ऑन द टास्क, सिक्स, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ द टास्क। ये छह क्वेश्चंस हैं, मेजर क्वेश्चन जो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन आपने अपने माइंड में रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए मैं एलेबोरेट करता हूँ। फॉर द मैनेजमेंट सेकंड पॉइंट है, फॉर द मैनेजमेंट चार मेजर पॉइंट है ऑब्जर्वेशन के लिए। नंबर वन, मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मैनेजमेंट ने क्या करना है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किसका, ऑब्जर्वेशंस का। नंबर टू, द इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, आप जो ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, जब आप किसी भी टीचर की परफॉर्मेंस का अप्रेजल बनाते हैं, उसको उसके बिहा पे जो बेनिफिट्स देने हैं, या उसकी तरक्की करनी है, या उसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, उस लिहाज से उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं आप किस चीज को तैयार करने के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। ये मैनेजमेंट के लिए बेनिफिट है, ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड भी बन रहा है और इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है फर्दर परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। थर्ड पॉइंट है, डेवलप अ कल्चर ऑफ पीयर ऑब्जर्वेशन, इससे क्या होता है, एक कल्चर डेवलप कर सकती है मैनेजमेंट पीयर ऑब्जर्वेशन की। पीयर ऑब्जर्वेशन का मतलब कि एक साथी दूसरे को ऑब्जर्व करे, और दूसरा साथी तीसरे को, और इसी तरह से ड्यूटी रूटीन करें, एक दूसरे को ऑब्जर्व करने से एक कल्चर भी डेवलप हो जाएगा, और ऑब्जर्वेशंस भी होंगी रूटीन से, और रिकॉर्ड भी बन जाएगा, और उस रिकॉर्ड को मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूटिलाइज भी कर सकती होगी। फोर्थ पॉइंट है, अ ब्लैंक कॉपी ऑफ द लेसन ऑब्जर्वेशन फॉर्म शुड बी गिवन टू ऑल टीचर्स एंड डिस्कस द पॉइंट्स इन द फॉर्म। कि आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक ब्लैंक कॉपी दे ऑब्जर्वेशन फॉर्म की तमाम टीचर्स को, और वो डिस्कस करें पॉइंट्स उस फॉर्म के ऊपर। ये फोर मेजर पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फीडबैक इज अ वे ऑफ द इफेक्ट ऑफ अवर बिहेवियर हैज ऑन अदर्स, सो इट नंबर वन इंक्रीजेस सेल्फ अवेयरनेस, नंबर टू ऑफर options, and number three encourage development. Constructive feedback does not mean only positive.
बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का क्या मतलब है, ये एक वे है जो इफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को दूसरों के ऊपर। जब एक ऑब्जर्वर हमें ऑब्जर्व कर रहा होगा अपनी आई से, क्या किस तरह से एक टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो उससे जब वो फीडबैक ले रहा होगा उससे हमें क्या पता लगेगा, हम अपने बारे में, एक टीचर अपने बारे में अवेयरनेस कर सकता है, इंक्रीज होगी उसकी अवेयरनेस, उससे ऑफर्स की पता लगेगा कि कौन कौन से ऑप्शन है, कहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ भी वो गलत परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे वो बेहतर परफॉर्म कर सकता था, कहाँ से उस पर कमी है जिसको वो उस कमी को दूर कर सकता है मेहनत करके, फिर वो इनकरेज कर सकता है, वो अपने आप को डिवेल्प कर सकता है। और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पॉजिटिव ही नहीं होती, अगर आप कोई नेगेटिव चीज देखे तो भी आप टीचर को बता सकते हैं ताकि वो अपने आप को जान सके और उस ऑफर से उस वीकनेस को के ऊपर मेहनत करके अपने आप को डेवलप करे और मजीद स्ट्रोंग हो जाए। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी, अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बिस्मिल्लाह, अब हम डिस्कस करने लगे हैं सम टिप्स फॉर फीडबैक। जब आपने फीडबैक लेनी है तो उससे रिलेटेड किस तरह से फीडबैक ले सकते हैं, कुछ टिप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट विद पॉजिटिव, आपने जब भी टिप्स लेनी है, स्टार्ट करनी है फीडबैक देनी, तो आपने पॉजिटिव पॉइंट्स के, टीचर के कौन से पॉजिटिव पॉइंट है उस क्लासरूम में इंट्रैक्शन में ऑब्जर्व करते हुए, वो आपने पहले मेंशन करनी है। फिर बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट, जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो आपने लिखना है। रेफर्स टू बिहेवियर विच कैन बी चेंज, सिर्फ वो बिहेवियर आपने रेफर करना है जो चेंज हो सकता है या जो आपको समझ लगती है कि इसे इंप्रूव करना चाहिए। फोर्थ, ऑफर अल्टरनेटिव्स, उस बिहेवियर की में कौन सी तब्दीली, कौन सी इंप्रूवमेंट आ सकती है, वो भी आपने अल्टरनेटिव्स ऑफर्स देखनी है। नेक्स्ट है बी डिस्क्रिप्टिव रेदर देन इवेल्युएटिव, आपने डिस्क्रिप्टिव होना है, इवेल्युएटर नहीं होना, क्या आप जैसे उन्हें इवेल्युएट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, आपने बयान करना है कि ये किया, इस बाद में सजेशन देनी है कि अगर आपको चीज गलत हुई तो उसको इस तरह से इम्प्रूव कर दे, वो आपने उससे ऊपर जो ऑफर अल्टरनेटिव उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द फीडबैक, आपने अपनी फीडबैक को ऑन करना है, जो भी फीडबैक हो वो आपकी अपनी फीडबैक हो, किसी की सुनी सुनाई बात पे आपने रिस्पॉन्स नहीं करना। नेक्स्ट है लीव दी रेसिपिएंट विद द चॉइस, आपके जो रेसिपिएंट है आपने उनको चॉइस के भी देनी है कि वो किस तरह से इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट है से थैंक यू विद स्माइल एट द एंड, जब आपने उसे एंड करना है तो आपने एक स्माइल देनी है और थैंक यू कहना है। लास्ट, थिंक व्हाट इट सेज अबाउट यू, आखिर में देखना कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं, और मजीद जो चीजें आप उसको एड ऑन कर सकते हैं। इसमें मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है उसके बारे में गाइड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप हम जो स्टडी करने लगे हैं वो है सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1। इसमें सबसे पहले आप देखें जो पहला आपका पार्ट है नेम ऑफ द ट्रेनिंग, आपने अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर, उस क्लास टीचर का नाम लिखना है, और क्लास जोन सी क्लास है वो क्लास लिख देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर हायर सेकेंडरी हुई, 11 12 जोन सी भी क्लास आपने मेंशन कर देनी है। आगे ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग फॉर रूल्स रूटीन्स प्रोसीजर्स, तीन चीजें नीचे कॉलम पे भी आपको शो हो रही, रूल्स क्या है, रूटीन्स क्या है और प्रोसीजर्स क्या है, आपने यहाँ पे नोट करना है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ऑफ टीचिंग की वो है रूल्स रूटीन्स और प्रोसीजर। What evidences are there of rules, routines or procedures in the classroom? आपने देखना क्या evidence आपके पास rules के, routines के और procedure के in the classroom? For example, rule, raise your hand to answer question. आपने एक rules बनाया कि जब भी आपने कोई question करना है आपने अपना हाथ उठाना है। Routine क्या? Homework must be submitted to teacher for checking before studying next lesson. आपने जो होमवर्क है मस्ट बी सबमिट होना चाहिए टू टीचर को फॉर चेकिंग बिफोर स्टडिंग के लिए नेक्स्ट लेसन के लिए। प्रोसीजर क्या? एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द क्लास। इसमें आपकी तीन चीजें एग्जांपल में देखे, रोल भी आपको पता चल गया कि क्या रूल है क्लास का, रूटीन क्या है क्लास की और प्रोसीजर क्या है।
और अदर इश्यूज दैट यू कंसीडर रिलेटेड टू रूल्स रूटीन्स प्रोसीजर्स एंड नोटेड। बिस्मिल्लाह। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स जो है वो 50 मार्क्स के होंगे और दो रिपोर्ट्स बनानी है, एक रिपोर्ट वन, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट वन और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट टू। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट वन हमने डिस्कस कर ली है, अब हम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट टू डिस्कस करते हैं। ये है सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट टू। इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग फॉर टीचर्स रिस्पॉन्सिस टू स्टूडेंट्स कमेंट्स नेम ऑफ द ट्रेनिंग। यहाँ पे आपने नेम ऑफ द ट्रेनिंग लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल, उसी तरह जैसे पिछले हमने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में डिस्कस किया, क्लास नेम ऑफ द क्लास, टीचर का नाम यहाँ पे आएगा, डेट एंड टाइम आ जाएगा। नोट डाउन द पॉजिटिव न्यूट्रल और नेगेटिव स्टेटमेंट्स दैट टीचर यूजेस इन रिस्पॉन्सिस टू स्टूडेंट कमेंट्स। आपने वो यहाँ पे चीजें लिखनी है कि जो ड्यूरिंग क्लास इंट्रैक्शन या ड्यूरिंग जब लेसन डिलीवर कर रहा होता है, लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है टीचर, तो स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है तो टीचर रिस्पोंड करता है। जब टीचर रिस्पोंड करता है तो आपने वो कमेंट, वो पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है, वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, आपने उसे राइट डाउन कर लेनी है। आइए इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, एक्सीलेंट, नो, दैट इज नॉट द राइट आंसर, एनीवन एल्स, नो, नॉट इवन क्लोज टू द राइट आंसर। यानी कि अगर नीचे कॉलम देखें तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, न्यूट्रल स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट है। देन है अदर इश्यूज दैट यू कंसीडर रिलेटेड टू टीचर रिस्पॉन्सेज टू स्टूडेंट कमेंट्स एंड नोटेड। आपने देख लेना कि जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, अगर आप लिख सके कि ये क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने ये जो टीचर ने ये जवाब आंसर किया, उसके बारे में फिर आपने बता देना वो गुड है, एक्सीलेंट है या नॉट राइट आंसर है या इसके अलावा कुछ हो सकता था, ये उससे रिलेटेड आंसर नहीं है, या मजीद कुछ चीजें जो है वो एड ऑन कर करना चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। यहां तक उम्मीद है हमारा जो है सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट टू भी क्लियर है। आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम आज के लेक्चर की एक रिवीजन करते हैं और फिर हम क्लोज करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला हम वर्कशॉप फॉर कल के लिए तैयारी कर लेंगे, उसका मटेरियल ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया हुआ है, वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। स्मॉल रिवीजन के आज हमने क्या डिस्कस किया, टीचिंग प्रैक्टिस वन में हमने आज ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट राइटिंग की है, जिसमें हमारा जो बेसिक पर्पज था टीचिंग प्रैक्टिस वन में वो था ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट राइटिंग, ये आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आइसबर्ग के क्वेश्चन से, हाउ डू यू डिस्क्राइब द आइसबर्ग, जिसमें ह्यूज, मीडियम, स्मॉल, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए थे। उसके बाद फिर हमने इसकी पहले स्मॉल पिक्चर थी, बाद में हमने बिगर पिक्चर ली, देन आपके आंसर्स और व्यूज और ऑब्जर्वेशन स्टाइल चेंज हो गया था। फिर हमने एक डायग्राम देखी थी जिसमें हमने टीचिंग और उसको फिर डिस्क्राइब किया था, ये येलो हेडलाइंस जैसे डू द ऑब्जेक्टिव, वार्मिंग अप, रीइंफोर्स, गिव इंस्ट्रक्शन, आस्क क्वेश्चंस, अवेयर of individual differences, assessment, have given information, और इससे related तमाम चीज़ें हमने discuss की थी। फिर classroom observation की हमने definitions की कि किस तरह से एक observer teacher को और students को और classroom को observe करेगा और अपनी opinion देगा और बाद में उसकी feedback को teacher से instructor से discuss करेगा, और ये एक continuous process है। हमने classroom observation को देखा कि data gather करना, उससे लर्निंग के टारगेट किस तरह से फुलफिल होते हैं, फीडबैक लेके उसको किस तरह से फ्यूचर को लर्निंग टीचर को इन्फॉर्म करके उसकी टीचिंग लर्निंग को बेटर किया जा सकता है, और एक ऑब्जर्वर को क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से पहले क्या क्या पता होना चाहिए कि व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, इसको डिस्कस किया हमने। फिर व्हाट में हमने देखा कि एक या एक से ज्यादा ऑब्जर्वर अगर हैं तो वो स्पेंड करेंगे टाइम क्लासरूम में ऑब्जर्व करने के लिए, वो पार्शली लेसन को ऑब्जर्व करेंगे या कम्प्लीटली करेंगे। वाई में देखा टू चीज़ें कि किस तरह से वो एवेल्यूएट करेगा और किस तरह से वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करेगा। देन हमने डिस्कस किया हु, कि कौन करेगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, सुपरवाइजर या कोई कुलीग। हाउ, टीचर किस तरह से करेगा, अनाउंस करके या
नोटिस देके या अनअनाउंस या सिंगल करेगा या सीरीज करेगा या क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करेगा, देन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस से पहले, फिर ड्यूरिंग क्लास ऑब्जर्वेशन, देन उसके बाद वो पोस्ट लेसन कॉन्फ्रेंस किस तरह करेगा, देन किस तरह कौन से मेजर चीजें हैं जो इफेक्टिव करती है ऑब्जर्वेशन को, इस पर डिपेंड करती है, पेडागोजी पे, इंटरपर्सनल स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे, एक्सपर्टीज पे, फीडबैक स्किल्स पे और कॉन्टेंट नॉलेज पे। फिर एक ऑब्जर्वर को जो है, वन ऑब्जर्वर स्कूल जो मेंबर्स है वो टीम क्या चीजें माइंड में रखे, वो हमने डिस्कस किया कि काउंट्स को, नंबर्स को और फीडबैक को। फिर कुछ टिप्स है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के इंडिविजुअल के लिए हमने डिस्कस की, देन फिर हमने मेजर क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिर मैनेजमेंट किस तरह से इसके साथ बेनिफिट उठा सकती है, फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स देखे हमने जिसमें किस तरह से सेल्फ अवेयरनेस ऑफिसर ऑप्शन एनकरेज डेवलपमेंट कर सकते हैं, देन हमने कुछ टिप्स फीडबैक की डिस्कस की, उसके बाद हमने सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 देन सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 डिस्कस की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला कल फर्दर न्यू वर्कशॉप में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पब्लिक चैट में कर सकता है ताकि इसको मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूँ। दुआ में याद रखिएगा।